नमस्कार दोस्तों, मैं भरत डंगवार प्रगति कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में हमारा गोरखा काल चल रहा है और गोरखा में हमने कुमाऊं पर 1790 पे गोरखाओं का अधिकार ये पड़ा और उसके बाद जो 1791 में लंगूरगढ़ी का जो युद्ध होता है हमने उसके बारे में बात की और चाइना ने क्यों नेपाल पर आक्रमण किया हम इस पर भी बात कर चुके हैं। अब यानी कि यहाँ पर क्या था कि अब हर्षदेव जोशी है उनके साथ क्या होता है, आज की वीडियो में हम वो बात करेंगे कि अमर सिंह थापा ने उनको जो कैद किया कैसे वो कैद से मुक्त होते हैं और कैसे वो आपके अल्मोड़ा से श्रीनगर पहुंच जाते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर क्या था कि इससे पहले जो हमने बताया था कि 1791 में जब आपका लंगूरगढ़ी का युद्ध चल रहा था तो यहां पर क्या होता है कि एक लाल मोहर वाला फरमान आता है। लाल मोहर वाला फरमान आपके किसके नाम पे आता है, जगजीत के नाम पर आता है, यानी कि जगजीत पांडे के नाम पर आता है और उसमें यह लिखा गया था कि जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र हो गया और आपका जो गढ़वाल क्षेत्र हो गया, अगर आपने कुमाऊं क्षेत्र है उस कुमाऊं क्षेत्र पर अधिकार जो है गोरखाओं का उसे किसे दे दिया जाए, उसे हर्ष को दे दिया जाए और जो गढ़वाल में आपका जो क्षेत्र है उसको किसको, गढ़वाली राजा को दे दिया जाए। ये आपके लाल मोहर फरमान यानी कि जो पहला फरमान आया था उसमें यह लिखा गया था। अब यहां पर क्या था, हर्षदेव को कुमाऊं देने की बात हो रही थी तो इसी बीच में क्या होता है कि आपके प्रद्युम्न शाह के जो भाई हैं जिनका नाम आपका पराक्रम शाह है, पराक्रम शाह ने यहां पर जो सेनापति अमर सिंह थापा थे, अमर सिंह थापा को भड़काना शुरू कर दिया। किसके विरुद्ध, हर्ष के विरुद्ध, यानी कि हर्षदेव जोशी के विरुद्ध। अब यहाँ पर अमर सिंह थापा से पराक्रम शाह ने कहा कि आप कुमाऊं की सत्ता किसको देने जा रहे हो, हर्षदेव को देने जा रहे हो और उसने हर्षदेव के बारे में पूरी बातें बता दी कि किस तरीके से उसने अपने ही चंद वंश को धोखा दे रखा है। तो ये सारी बात यानी कि उसने कहा कि आपका हर्ष तो एक दगाबाज है, धोखेबाज है, तो आप उसको ये सत्ता दे रहे हो तो ये यहां पर भी कुछ ना कुछ करेगा। अब ये बात जैसे आपके अमर सिंह थापा ने सुनी तो अमर सिंह थापा इस बात को मान गए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हर्षदेव को वो क्या दे रहे थे, कुमाऊं की सत्ता दे रहे थे, अब उन्होंने हर्षदेव को कैद कर लिया। यानी कि अब उन्होंने हर्षदेव से कहा, यानी कि पहले तो हर्षदेव बार बार अपनी मतलब बेगुनाही साबित करने की बात कर रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर अमर सिंह थापा ने उनसे कहा कि ठीक है अगर आप अपनी सफाई दे दोगे तो वो क्या करेंगे, कुमाऊं की सत्ता आपको दे देंगे, यानी कि किसको, हर्षदेव को दे देंगे। अब ये बात उसको तो पता है, यानी कि पराक्रम शाह ने जो भी आपके हर्षदेव के बारे में बोला होगा वो बिल्कुल झूठ नहीं होगा, क्योंकि हर्षदेव ने किया भी ऐसे ही था, इसी वजह से अमर सिंह थापा ने विश्वास भी कर लिया। अब यहाँ पर क्या था कि ये सारी जो बातें उस समय पर चल रही थी अमर सिंह थापा और हर्षदेव के बीच में, इसी दौरान आपके हर्षदेव किसके पास चले जाते हैं, काजी जगजीत पांडे के पास चले जाते हैं, यानी कि अब हर्ष किसके पास हो गए, जगजीत के पास। अब इसी बीच में क्या हुआ, जगजीत जब आपके नेपाल, वो तो नेपाल की तैयारी कर रहे थे, वो तो नेपाल जाने की तैयारी कर रहे थे, जब हर्ष उनसे मिले तो उन्होंने हर्ष से कहा कि अभी तो वो नेपाल जा रहे हैं, नेपाल में युद्ध हो रखा है, चाइना ने आक्रमण कर रखा है, तो वो क्या करेंगे, इसका फैसला नेपाल में करेंगे। तो यहाँ पर जो हर्षदेव है वो भी उनके साथ कहां चले, नेपाल चले। तो अब यहाँ पर जो हर्ष है, हर्ष भी क्या होते हैं, नेपाल की तरफ चले जाते हैं। अब इस बात को याद रखना कि यहाँ पर जब आपके जगजीत पांडे की जो सेना है, यानी कि जो गोरखा सेना है, वो जैसे यहां से निकली, गोरखा जो सेना थी वो कहां तक जाती है, वो आपके गंगोली वाले क्षेत्र तक जाती है, यानी कि हर्षदेव भी उनके साथ कहां तक जाएंगे, गंगोली वाले क्षेत्र तक जाएंगे। अब इसके बाद क्या हुआ, जैसे उसकी सेना गंगोली वाले क्षेत्र में पहुंची तो यहां पर अब दूसरा एक लाल फरमान आ गया, यानी कि एक लाल मोहर फरमान आपका फिर से किसके नाम आया, इसी जगजीत पांडे के नाम पर आया और उसमें ये लिखा गया था कि अगर आपने कुमाऊं की सत्ता हर्षदेव को नहीं दी है और गढ़वाल की सत्ता, जो गढ़वाल का क्षेत्र जितना उन्होंने जीत रखा है, अगर वो गढ़वाल को नहीं दे रखा है तो अब वो उन्हें ना दे, क्योंकि क्या हो चुकी है, आपके 1791 में उनके साथ संधि हो गई है, यानी कि चाइना के साथ संधि हो गई है। इसी बीच क्या हुआ, जब आपकी संधि की खबर पता लगी, यानी कि जो युद्ध था समाप्त हो गया था चीन के साथ, तो जो आपकी गोरखा सेना थी वो क्या हुई, वो आपके गंगोली वाले क्षेत्र में ही रुक गई, अब वो क्या होगा, नेपाल की तरफ नहीं जाएगा। इसी दौरान जो आपके जगजीत पांडे थे, इन जगजीत पांडे के स्थान पर जो काजी नियुक्त किया गया वो अब आपके अमर सिंह थापा को नियुक्त किया गया, यानी कि अब पूरी कमान किसके हाथों में आ गई, अमर सिंह थापा के हाथों में आ गई। अब
ये बात तो आपके हर्ष को पता थी, हर्षदेव जोशी को ये बात तो पता थी कि अब जगजीत तो यहाँ पर रहे नहीं और सत्ता किसके हाथों में है, अमर सिंह थापा के हाथों में है और वो अपनी बेगुनाही कभी भी साबित नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से वो क्या करते हैं, वो यहाँ से भाग जाते हैं, यानी कि जैसे उनको मौका मिला उस गंगोली क्षेत्र से और वो यहाँ से भाग कर कहाँ चले गए, आपके जौहार क्षेत्र चले गए, यानी कि जौहार क्षेत्र में अब ये यहाँ पर रहेंगे। अब ये जौहार क्षेत्र इसलिए भागे क्योंकि इस समय पर क्या है, गोरखाओं का शासन आपके अल्मोड़ा कुमाऊं में तो है ही, लेकिन उस समय पर जो जौहार क्षेत्र था यहाँ पर अधिकार आपके गोरखाओं का अभी नहीं था, इसी वजह से हर्ष कहाँ भाग गए, आपके जौहार में भाग गए। अब यहाँ पर अब जो जौहार क्षेत्र में जैसे भागते हैं, जौहार में उनके साथ क्या होता है अभी आगे बात करते हैं। इस बात को जरूर याद रखना क्योंकि जब आपके गोरखा जो सेना थी वो आपके नेपाल को जा रही थी, इसके बाद सारे के सारे जो बड़े अफसर थे वो सब अल्मोड़ा आ गए और अल्मोड़ा आने का कारण क्या था कि अगर हर्षदेव कहीं ना कहीं से अल्मोड़ा पहुंचते हैं तो पाली पछाम वाला क्षेत्र हो गया, बारह मंडल वाला क्षेत्र हो गया, उन लोगों को गोरखाओं के खिलाफ भड़काएंगे, इसी वजह से आपके गोरखा अफसर पहले कहां पहुंच जाते हैं, आपके अल्मोड़ा में पहुंच जाते हैं। अब यहां पर क्या है कि जो आपके हर्षदेव जोशी है वो कहां पर भागे हुए, जौहार वाले क्षेत्र में भागे हैं। ये जो जौहार वाला क्षेत्र था उस समय कहा जाता है कि ये आपके जो फरत्याल दल है, फरत्याल दल के अंदर आता था, यानी कि यहाँ पर आपके फरत्याल दल के लोग रहते थे। अब इसी बीच में क्या हुआ कि उन्होंने आपके हर्ष को अपने वहां ठहरा दिया, यानी कि उस जौहार वाले क्षेत्र में ठहरा दिया और फरत्याल, याद रखना फरत्याल हो गया और आपके चंद वंश में जो महेंद्र और जो लाल है उनकी आपस में अच्छी बनती थी, यानी कि वो आपस में दोस्त होंगे, इसी वजह से यहाँ पर क्या हुआ वो समझ गए कि यहाँ पर हर्ष आया है तो उन्होंने ये खबर किसको पहुंचानी है, महेंद्र और लाल को पहुंचानी है। उन्होंने क्या किया, जौहार क्षेत्र में जो शरण लेने के लिए हर्ष आए थे उनको वहां पर ठहरा दिया, उनको वहां पर संरक्षण दे दिया, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो वो क्या कर लिए गए, कैद कर लिए गए, यानी कि उनको तो लग रहा था, हर्ष को तो लग रहा था कि उनको यहाँ पर शरण दे रखी है, स्थान मतलब रहने के लिए जगह दे रखी है, लेकिन यहाँ पर उसको कैद कर दिया गया। अब ये जो पूरी घटना है, इस पूरी घटना को उन्होंने महेंद्र और लाल के पास पहुंचा दिया, यानी कि जो आपके चंद वंश के अंतिम शासक महेंद्र चंद और उनके चाचा जो लाल सिंह है उनको ये सारी खबर पहुंच गई कि हर्ष आपके जौहार क्षेत्र में यानी कि फरत्याल के साथ में है। अब यहाँ पर यही पर क्या होता है कि आपके जो लाल और महेंद्र होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर एक अपने ही रिश्तेदार और उस रिश्तेदार का नाम आपका पदम सिंह है, इस पदम सिंह की नियुक्ति करते हैं और नियुक्ति करने का कारण था कि वो उन्होंने उसकी नियुक्ति करने के बाद कहाँ भेज दिया, उसको जौहार वाले क्षेत्र में भेज दिया ताकि वो क्या करे, हर्षदेव को वहां पर आपका मार दे। अब यहाँ पर दो चीजें हैं क्योंकि फरत्याल और मेहरा दल आपके सोम चंद से ही आपके चंद वंश का साथ दे रहे थे, लेकिन आपके यहाँ पर कहा जाता है कि महेंद्र और लाल का साथ यहाँ पर आपके इस समय पर मेहराओं ने नहीं दे रखा है, यानी कि जो काली कुमाऊं के जो मेहरा हैं और साथ किसने दे रखा है, केवल फरत्यालों ने दे रखा है। अब यहाँ पर फरत्यालों ने यहाँ पर भी साथ दिया कि जो आपके हर्ष है, हर्ष को किस तरीके से यहाँ पर गिरफ्तार किया जाए कि महेंद्र और लाल के मतलब लाल इनको मार दे ताकि ये आगे षड्यंत्र ना करे। अब यहाँ पर क्या था, जैसे ही पद्म को यहाँ पर रखा गया तो पदम सिंह क्या हुए, वो आपके जौहार पहुंचे और हर्षदेव से उनकी मुलाकात होती है। कहा जाता है कि हर्षदेव को पकड़ने के लिए तो गए थे लेकिन हर्ष ने यहाँ पर उल्टी चाल चल दी। हर्ष ने क्या किया, यहाँ पर पद्म को लालच दे दिया और लालच दिया आपके अल्मोड़ा की सत्ता का, यानी कि चंद की सत्ता का, कि अब जो महेंद्र और लाल है, अगर महेंद्र और जो लाल है अगर आप उनका साथ ना देकर मेरा साथ देंगे तो कल के दिन में वो चंद वंश का राजा किसको बना देंगे, आपके पद्म सिंह को बना देंगे। अब वो यहाँ पर आपके हर्ष के बातों में आ गया, तो हर्ष के बातों में आने के बाद वो किसके तरफ हो गया, आपके हर्ष के तरफ हो गया। तो याद रखना, जो आपके हर्ष को मारने आया था, हर्ष ने चाल चलकर उसे अपने ही साइड कर लिया। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके पदम सिंह है, उस पदम सिंह को लेकर आपके जो हर्षदेव जोशी है, यानी कि हर्षदेव जो जोशी है वो क्या करते हैं, प्रद्युमन को लेकर आपके श्रीनगर चले जाते हैं, यानी कि आपके जो प्रद्युमन शाह है, प्रद्युमन शाह के दरबार में लेके जाते हैं और उनसे अब मदद मांगते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि अब यहाँ पर आपके पदम जो आपके चंद वंश से संबंधित है वो भी हमारा साथ दे रहा है, तो श्रीनगर के राजा से भी साथ मांगा कि वो आपके यहाँ पर अल्मोड़ा पर आक्रमण करेंगे, तो इसकी सहायता उन्होंने मांगी। लेकिन अब यहाँ पर कहा जाता है कि जो प्रद्युमन शाह था, क्योंकि प्रद्युमन शाह को पहले से पता था और उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने
पहले इन्होंने उन्होंने क्योंकि वो पहले भी आपके अल्मोड़ा में रह चुके थे, अब वो दूसरे की लड़ाई में भाग भी नहीं लेना चाह रहे थे, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो यहाँ पर वो भी ऐसी स्थिति में है कि वो यहाँ से आपके क्या कर सकते हैं, मतलब उनकी ऐसी स्थिति है ही नहीं वो किसी का साथ दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके अभी इकोनॉमी बावनी की घटना घटती आपकी गढ़वाल में और पराक्रम साथ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो चारों तरफ से देखा जाए तो प्रद्युमन की स्थिति भी उस समय पर अच्छी नहीं थी, इसीलिए उसने मना कर दिया। अब जैसे प्रद्युमन ने मना किया तो अब यहाँ पर जो पदम सिंह थे, पदम सिंह भी अपने दोस्तों के साथ यानी कि कहाँ चले गए, कोटा चले गए यानी कि तराई क्षेत्र में चले गए, और अब यानी कि जो आक्रमण करना यानी कि लाल और महेंद्र को मारने का जो प्लान था वो भी इनका असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी ने इनकी सहायता ही नहीं की, कारण है क्योंकि इनके पास कोई फौजी उस समय पर आपकी नहीं थी। अब यहाँ पर जो हर्षदेव है, आपके पदम तो कोटा चले गए लेकिन जो हर्षदेव है वो आपके श्रीनगर में ही रहेगा और श्रीनगर से अब वो षड्यंत्र रचने शुरू कर देगा। अब यानी कि यहाँ यानी कि ये तो आप श्रीनगर, जो बंदा अल्मोड़े में था गोरखाओं ने उसको सत्ता का अधिकार दिया था, वो अब कहाँ पहुंच चुका? श्रीनगर। अब वो श्रीनगर से ही क्या करेगा, अब वो अपने षड्यंत्र फिर से शुरू करेगा कि किस तरीके से यहाँ से गोरखाओं को भगाया जाए। जो पहले गोरखाओं का साथ था अब वो क्या हो जाएंगे, गोरखाओं के खिलाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पर और एक क्वेश्चन जरूर याद रखना कि इस सारे युद्ध में आपके जो भी युद्ध होता है चंद आपके लाल और आपके महेंद्र जो गोरखा के साथ करते हैं या अन्य प्रद्युमन शाह के साथ जो भी होगा उसमें आपके मेहरा क्या करेंगे, उनका साथ नहीं देंगे, केवल फड़तियाल नहीं उनका साथ दे रखे। अब आगे जो वीडियो क्लास हमारी होंगी उसमें हम जो रोहिल्लों यानी कि जो आपके रोहिल्ल खंड में जो रोहिल्ल लोग हैं वो यहाँ पर किस तरीके से आक्रमण कर रहे हैं, मतलब जो उनके साथ हर्षदेव कैसे व्यवहार करते हैं, कैसे वो उनसे सहायता मांगने के लिए जाते हैं, हम वो आगे वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।